Good morning, students. In this video, I am going to explain chapter 3 synthetic fibers and plastics of science class 8th. Let's start the chapter. The name of the chapter is synthetic fibers and plastics. Synthetic fiber means fiber made by men, means to naturally nominate. तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक मीन्स कपड़े के बने होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फैब्रिक्स बनते हैं फाइबर से और फाइबर हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों सोर्सेज से मिल सकता है। मीन्स कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन बींग बनाता है एंड दैट वी ऑल्सो कॉल द सिंथेटिक फाइबर्स यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वूल सिल्क एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स मैंने अभी बताया कि जो फाइबर्स हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल अगर आपसे कोई पूछे तो नेचुरल की एग्जाम्पल देनी हो कौन कौन से हो गए कॉटन वूल सिल्क कॉटन प्लांट से मिलते हैं हमें वूल शीप से मिलते हैं सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं मीन्स जो नेचुरल फाइबर्स हैं हम उन्हें प्लांट्स या एनिमल से ऑप्टेन प्राप्त करते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या है हमारे पास वो ह्यूमन बिंग्स बनाते हैं हम मैन बनाते हैं दैट इज़ वाई इनको हम सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं और मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं और हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर में सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स पे है क्स्ट टॉपिक वट आर सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड देखो पिक्चर में नेकलेस कैसे बनते हैं छोटे छोटे बीड्स को कहते हैं आपस में जोड़ते हो आप थ्रेड की हेल्प से तो एक बड़ा नेकलेस बनता है और उसी तरह से सेकंड पिक्चर में देखो छोटे छोटे जो हमारे पास पेपर क्लिप्स हैं उन्हें ज्वाइन किया गया आपस में और एक लंबी चेन बन ली है इट मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़कर हम एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं पिक्चर में आपने देखा छोटे छोटे बीड्स हैं जो इनको आपस में जोड़ा तो एक बड़ा नेकलेस बन गया और इसी तरह से सेकंड पिक्चर में छोटे छोटे पेपर क्लिप्स थे उनको आपस में जोड़ा तो एक बड़ी चेन बन गई इसी तरह से हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं वो एक चेन होती है जो स्मॉल यूनिट्स को आपस में जॉइन करके बनती है अ सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो भी इसी तरह से चेन होती है एक बड़ी लेकिन वो बनती कैसे छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में जोड़ने के बाद बनती है और जो हर स्मॉल यूनिट है वो क्या है केमिकल सब्सटेंस होता है ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस सिंथेटिक फाइबर क्या आर्टिफिशियल होते हैं केमिकल से बनते हैं इसलिए जो हमारे यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक लॉन्ग चेन बनती है वो स्मॉल यूनिट क्या है केमिकल सब्सटेंस होता है जैसे ऊपर पिक्चर में आपको बताया गया कि बहुत सारे बीड्स मिलकर एक नेकलेस बनाते हैं मीन्स बीड्स बहुत सारे हैं वो क्या होगी एक छोटी यूनिट होगी वो मिलकर क्या बना रहे हैं एक बड़ा नेकलेस बना रहे हैं उसी तरह से बहुत सारे यूनिट्स मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं जैसे देखो छोटे छोटे बीड्स ने छोटे छोटे बहुत सारे अमाउंट ऑफ बीड्स थे उन्होंने मिलकर क्या बना दिया एक बड़ा नेकलेस बना दिया एक बड़ी चीज बना दी इसी तरह से हमारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं जो केमिकल यूनिट्स हैं वो आपस में मिलकर एक लार्ज बड़ा यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलीमर जो हमारे पास वो लार्ज बड़ी चीज़ आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं पॉलीमर का मतलब क्या है पॉली का मतलब होता है मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा मर का मतलब होता है पार्ट या यूनिट तो इसका मतलब पॉलीमर क्या है पॉलीमर क्या है छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे यूनिट्स का बना होता है छोटे यूनिट्स मीन्स सिंगल यूनिट्स जिन्हें हम मोनो मोनो मोनोमीन्स वन मोनोमर इसी तरह से पॉलीमर पॉलीमर का मीन्स पॉलीमीस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे यूनिट्स से बनकर एक हमारे पास क्या बड़ा यूनिट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं यहाँ पे देखो बॉक्स में लिखा है पॉलीमर अक्कर इन नेचर ऑल्सो ये जो पॉलीमर्स हैं वो नेचर में भी प्रेजेंट है जैसे कि कॉटन है वो एक पॉलीमर है जिसे सेलोलोस कहते हैं और सेलोलोस आगे किससे है छोटे छोटे यूनिट्स ग्लूकोज से बना है तो वो भी क्या है एक पॉलीमर है कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलोस सेलोस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स फर्स्ट टाइप है सिल्क की रेन सी रीड इट यू हैव रीड इन क्लास सेवन्थ दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्राम सिल्क वाम वॉज डिसकवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्टज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वाम से बनता है और ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था चाइना में जिन्होंने काफ़ी टाइम तक इसे एक तरह से सीक्रेट रखा कि किस तरह से ये बनता है फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज़ वेरी कॉस्टली एक तो जो इससे कपड़े बनते हैं सिल्क फाइबर से बहुत कॉस्टली होते हैं इसका जो ब्यूटीफुल टेक्स्चर है वो हर एक को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से अटैम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली उसके बाद क्या अटैम्प्ट बनाने शुरू हो गए कि इसको किसी तरह से आर्टिफिशली प्रपेयर किया जाए तो नाइन्टीन सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट को सक्सेसफुल हुए साइंटिस्ट उन्होंने एक फाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिल्क के साथ बिल्कुल सिमिलर थी एक आर्टिफिशियल फाइबर उन्होंने बनाया है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है जो सिल्क से जो कि हमें नेचुरली मिलता है सिल्क बॉम से उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी वो फाइबर उन्होंने किस तरह से बनाया था केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प वुड पल्प क्या होते हैं जो लकड़ी या उसको छोट छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है उसे फिर प्रेस किया जाता है एक तरह से सॉफ्ट बना लिया जाता है तो उसके साथ केमिकल ट्रीट करने के बाद उन्होंने एक फाइबर बनाया जिस फाइबर को बोला गया रेओन और आर्टिफिशियल सिल्क अंडरलाइन दिस लाइन दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेओन और आर्टिक Silk. Silk ती थी लेकिन ये केमिकली बना था केमिकली वुड बल्ब से ट्वीट करने के बाद बना था इसलिए ये क्या था नेचुरली नहीं था आर्टिफिशियल था ओल दो रियोन इज ऑबटेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड बल्ब येट इट इज अ मैन मेड फाइबर मिलता कहाँ से नेचुरल सोर्स वुड पल्प से ही है लेकिन उसको उसके बाद हमने केमिकल के साथ ट्रीटमेंट किया था अपनी तरफ से कुछ चेंजेस किया उसमें इसलिए उसको क्या बोलते हैं मैन मेड फाइबर बोलते हैं ये चीपर होता है सिल्क के कंपैरिजन में और वो सिल्क फाइबर की तरह इसको भी बुना जा सकता है धागों में एंड इट ऑल्सो बी डाइड इन द वाइड वराइटी ऑफ कलर्स इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी डाई कर सकते हैं रेओन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट सो अगर आपसे यूजेज पूछे जाएँ तो क्या है रेन मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ तो बेडशीट्स बनाने के लिए और वूल के साथ मिक्स किया जाता है उसे कारपेट्स बनाने के लिए अंडरलाइन दिस यूजेस नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप है सिंथेटिक फाइबर्स की वो है नाइलॉन नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर नाइलॉन भी क्या एक है एक सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स मीन्स 1931 में कहते हैं ये बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे रियॉन के केस में हम लोगों ने रॉ मटेरियल के तौर पे कच्चे जो कच्चा मटेरियल है उसकी जगह पे हमने वहाँ पे वुड पल्प जो कि एक नेचुरली मटेरियल है वो यूज़ किया था लेकिन नाइलॉन में कुछ भी रॉ मटेरियल जो वो नेचुरली यूज़ नहीं किया है कुछ भी प्लांट्स या एनिमल से नहीं यूज़ किया गया इट वॉज़ प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर ये किस तरह से बनाए अंडरलाइन दिस लाइन कोल वाटर एंड एयर की हेल्प से बनाए इट वॉज़ द फस्ट फुली सिंथेटिक फ़ाइबर ये फर्स्ट ऐसा फाइबर था जो फुली सिंथेटिक फाइबर था कुछ भी इसमें से नैचुरल जो मटेरियल है इसमें यूज़ नहीं किया गया था इसको बनाने के लिए नाइलोन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखे हैं करेक्ट्रिस्टिक्स बता रखे हैं कि क्या है नायलोन फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं इलास्टिक होते हैं और वेट में लाइट होता है इट वॉज़ लश्चरस एंड ईजी टू वॉश लाश्चरस मीन शाइनी अपीयरेंस है और ईजी टू वॉश है वॉल धुलने में भी ईजी है इसको सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो ज़्यादा इसके कपड़े बनाए जाते हैं वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन कुछ आर्टिकल्स के नेम कुछ दिए गए हैं इनको भी अंडरलाइन कर लो सच एज सोक्स रोप्स टेंट्स टूथब्रशिज कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग्स कर्टन्स एक्सेट्रा ये सब क्या नायलॉन से बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से नायलॉन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं मेकिंग पैराशूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉगर अ स्टील वायर अगर अगर नायलॉन का थ्रेड धागा बनाया जाए तो वो कितना स्ट्रॉग होता है स्टील वायर से भी ज़्यादा लोहे की तार से भी ज़्यादा स्ट्रॉग होता है तो इसकी स्ट्रेंथ की वजह से इसको पैराशूट्स की पैराशूट की रॉप्स पैराशूट की रॉप्स बनाई जाती हैं पैराशूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग हम नायलॉन की हेल्प से बनाते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ किसी भी जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं या फिर कोई भी फाइबर है उसकी अगर स्ट्रेंथ आपने मेजर करनी हो कि कौन कितना स्ट्रांग है उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है क्या करना है इस एक्टिविटी में टेक एन आयरन स्टैंड विद कलैंप टेक अ कॉटन थ्रेड अबाउट सिक्सटी सेंटीमीटर लेंथ टाई टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर एक आपने ये इस तरह से आयरन स्टैंड ले लिया उसके साथ एक एक क्लैम्प लगा हुआ है उसके साइड में हमने एक कॉटन की थ्रेड लगा दी है उसके ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से वेट रखने के लिए बना दिया है यहाँ पे हम वेट रखते जाएंगे जैसे आप वेट रखते जाओगे आप देखोगे कि एक टाइम पे आकर उसकी जो लिमिट खत्म हो जाएगी थ्रेड की और वो जो वेट है नीचे टूट के धागा गिर जाएगा तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा हम डिफरेंट डिफरेंट जो फाइबर्स हैं यहाँ पे पहले कॉटन फिर वूल फिर सिल्क फिर नायलोन उसके थ्रेड जहाँ पे बांधते जाएंगे और उनका जो स्ट्रेंथ है वो चेक करते जाएंगे फिर हम वेट चेक करेंगे कि कितना वेट चाहिए किसी थ्रेड को ब्रेक करने के लिए उससे हमें उस जो फाइबर है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा तो इस एक्टिविटी से हम डिफरेंट डिफरेंट जो फाइबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फाइबर है वो है सिंथेटिक फाइबर पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर का मीन्स देखो आगे पॉली लगा है पॉली मीन्स मैनी एस्टर मीन्स क्या है उसका जो स्मॉल यूनिट है मीन्स एस्टर को रिपीट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है पॉलीएस्टर बनता है पॉलीएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो कपड़े इस फाइबर से बने होते हैं वो ईजिली रिंकल नहीं आते हैं उनमें और इट रिमेंस क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश वो कड़क रहते हैं और उनको जो धोना है वो easy है सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल यू मस्ट हैव सीन पीपल व्यरिंग पॉलीएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस इसकी इन प्रॉपर्टीज की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इसकी ड्रेसेस बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं आपने पॉलिएस्टर शर्ट्स और कुछ और ड्रेसेस भी देखी होंगी टेरेलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले पॉलीस्टर की तो कौन है टेरेली इज अ पॉपुलर पॉलीएस्टर अंडरलाइन दिस लाइन पॉलीएसटर को भी हम जैसे बाकी फाइबर्स हैं उनको धागे में बना सकते हैं तो इससे भी इस तरह से धागे में अलग अलग धागे में बनाए जा सकते हैं लाइक like, नेक्स्ट है हमारे पास पी ई टी पॉलीएसटर दैट इज़ पॉली इथिलीन टेरिफेलेट ये भी एक पॉलीस्टर की फैमिली में से ही आता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स अंडरलाइन दिस लाइन यूटेंसिल्स फिल्म वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो पॉलीएस्टर है वो किस तरह से बने पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर एस्टर के रिपीटिंग मीन्स एस्टर क्या है एक मोनोमर एक स्मॉल यूनिट हो गया उसको रिपीट करने के बाद आपस में जोड़ने के बाद क्या बनता है हमारे पास एक पॉलीएस्ट्रा बनता है मीन्स मैनी एस्टर्स उसमें यूज हुए हुए हैं एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देअर स्मेल उसकी जो स्मेल है वो फ्रूट्स की तरह होती है फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट पॉलीवुल टेरिकोट एक्सेट्रा ये जो फैब्रिक्स हैं कुछ उनके नेम दिए हुए हैं पोलीकॉट पॉलीवुल टेरिकोट एक्सेट्रा देखो इनके नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये दो फाइबर्स को मिक्स करने के जैसे के बाद बने जैसे पॉलीकॉट क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन पॉली पॉलीएस्टर का पॉली एंड कॉटन का कोट उसे मिक्स करके बनाया गया आपस में तो उसके बाद नेक्स्ट देखो पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल ये भी दो फैब्रिक से बना हुआ है पॉली पॉलीएस्टर एंड वूल वूल को मिक्स किया पॉलीएस्टर के बाद बीच में तो उसके बाद हमारे पास कौन सा फैब्रिक बन गया पॉलीवूल नेक्स्ट देखो कह रहे हैं वो वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर many of these are actually not made from the natural wool, though they appear to be resemble wool. कहते हैं हम लोग सर्दियों में स्वेटर्स शॉल्स और ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं हमें वो देखने में लगते हैं कि वो वूल हैं जो ने, नेचुरल वूल है शीप से मिलती है उससे बने हुए हैं पर लेकिन एक्चुअल में वो उससे नहीं बने होते हैं कुछ कुछ प्योर होते हैं कुछ नहीं होते हैं दीज आर प्रपेयर फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड द एक्रेलिक वो एक अलग सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक भी क्या है एक सिंथेटिक फाइबर का नाम है अंडरलाइन दिस एंड इट इज़ यूज टू मेक द स्वेटर्स शॉल्स और ब्लैंकेट्स जो वूल नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है वो एक्सपेंसिव होती है लेकिन जो क्लोथ्स एकरेलिक्स से बनते हैं वो चीप होते हैं इसलिए वो ज़्यादा यूज़ होते हैं दे आर अवेलेबल इन वराइटी और दूसरा क्या है उसमें कलर्स में भी वराइटी होती है सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फ़ाइबर्स वो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं ड्यूरेबल मीन्स लास्ट लॉन्ग होते हैं और दूसरे अफोर्डेबल इज़िली चीप होते हैं सस्ते हैं ईजिली मिल जाते हैं इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फ़ाइबर्स यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स वट डिड यू अब्जर्व देखो आपने ये बर्निंग की जो एक्टिविटी है वो क्लास सेवन्थ में ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं जब आप सिंथेटिक जो फाइबर है उसे बर्न करते हो उसका डिफरेंट बिहेवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करते हो जलाते हो तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही उनके पास हीट पहुँचती है मेल्ट ऑन हीटिंग पिघलना स्टार्ट कर देते हैं इसी ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवाटेज है सिंथेटिक फाइबर्स की चीप हैं एक्सपेंसिव नहीं है अफोर्डेबल है, इजीली ड्यूरेबल है, ये तो इसकी एडवांटेजेस होगी लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं जैसे ही हीट इनके पास पहुंचती है इफ़ द क्लोथ कैचेस फायर इट कैन बी डिज़ास्ट्रस अगर जो ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं इनको अगर आग लग जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो बॉडी के साथ चिपक जाती है स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट जिस भी इंसान ने वो कपड़े पहने हैं उसकी बॉडी के साथ वो चिपक जाती है वी शुड देयर फॉर नॉट वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स वायर वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो तो कभी भी वहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए अंडरलाइन दिस इन दिन बिकॉज इट इज वेरी रिस्की क्योंकि जैसे हीट होते हैं तो यह मेल्ट होना हो जाते हैं और कपड़े बॉडी के साथ स्टिक होना हार्मुल फॉर द पर्सन अंडरलाइन दिस लाइन ऑल द सिंथेटिक फाइबर ऑफ प्रोसेसिस यूजिंग रॉ मटीरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजन जितने भी सिंथेटिक बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बनाए जाते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स और पेट्रोलियम ओरिजिन जो पेट्रोलियम ओरिजिन के टाइम रॉ मटेरियल निकलते हैं उनसे बनाए जाते हैं इसलिए इनको एक बार पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स को पेट्रोकेमिकल्स भी कहा जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज करेक्टिक्स उसकी विशेषताएँ Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? कहते suppose कर लो rainy day है तो आप किस तरह का जो umbrella use करोगे सिंथेटिक फ़ाइबर प्रोसेसिस यूनिक करैक्ट्रिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटीरियल्स उनकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ थी इसके लिए वो जो ड्रेस मटीरियल बनाने में उसमें पॉपुलर हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल फ़ाइबर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के ड्रेस मटीरियल में एज कम्पेयर टू द नेचुरल फ़ाइबर्स बिकॉज दे ड्राई अप क्विकली अंडरलाइन दिस लाइन दिज आर द करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स दे ड्राई अप क्विकली आर ड्यूरेबल इजिली सूख जाते हैं ज़्यादा देर तक चलते हैं लेस एक्सपेंसिव हैं सस्ते हैं रेडली अवेलेबल हैं ईजिली मिल जाते हैं और ईजी टू मेनटेन रखना उन्हें आसान है अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो रेनी सीजन के टाइम पे हैं हमें सिंथेटिक फाइबर यूज़ करने चाहिए या नेचुरल फ़ाइबर यूज़ करने चाहिए जो हमारा अम्ब्रेला है वो सिंथेटिक फाइबर का बना होना चाहिए या नेचुरल फ़ाइबर का देखो क्या कहते हैं कि टेक टू क्लोथ्स ऑफ द सेम साइज़ रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फ़ाइबर द अदर शुड बी अ सिंथेटिक फाइबर दो क्लोथ के पीसेस लेने हैं स्क्वायर शेप में एक सेम साइज़ के होने चाहिए एक नेचुरल फाइबर का बना होना चाहिए और दूसरा क्या है सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए उसके बाद क्या करना है आपने अपने दो मग लेने हैं जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल देना है उसके बाद उसमें वो दोनों पीसीस एक एक मग में डाल देने हैं एक में नेचुरल वाला और एक में सिंथेटिक वाला कुछ टाइम के बाद आपने उन दोनों को बाहर निकालना है और सन में रख देना है सुखाने के लिए आप उसके बाद कंपेयर करोगे जो पानी है मग में कितना रह गया आप देखोगे कि जिस मग में आपने सिंथेटिक फाइबर डाला था उस मग में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बची होगी क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पानी को कम सोखते हैं कम कम एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से जो ईजिली क्या सूख जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स आप ध्यान से देखोगे दोबारा सुनो जैसे सिंथेटिक फाइबर है जिस मग में आपने डाला था उसे उस मग के अंदर आप पानी देखोगे निकालने के बाद उसमें पानी ज़्यादा बचा होगा बिकॉज जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पानी को कम सोखते हैं इसीलिए वो एज़ कंपेयर टू नेचुरल फाइबर जल्दी ईजिली धूप में सूख भी जाते हैं तो एक ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पानी को कम सोखते हैं और ईजिली क्या है वो क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं इसीलिए जो हमारे जो अम्ब्रेला है वो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं क्योंकि रेनी सीजन के टाइम वो पानी को कम अब्जॉर्ब करते हैं और इजली उसके बाद क्या वो 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 भी हो जाते हैं ईजिली सूख जाते हैं तो ये कुछ करैक्ट्रिस्टिक्स थी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या थी दे ड्राई अप क्विकली आर ड्यूरेबल लेस एक्सपेंसिवली रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेनटेन तो ये सारी क्या करैक्ट्रिस्टिक्स हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या करैक्ट्रिस्टिक्स होती हैं तो आप ये सारी करैक्ट्रिस्टिक्स लर्न करोगे दीज आर द करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स द रिमेनिंग चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो